हम लोग तो डर गए थे कि भाई हमने कभी देखा नहीं, तो अभी देखे तो हम लोग तो ताला लगा के ही रखेंगे ना। हमको लगा कभी कोई मारने वाला है, हमको थोड़ी खबर थी कि पुलिस वाले आए तो हम दरवाजा खोले। हमको लगा कोई मारने वाला है बाहर से, तो हम लोग लगा के ना अंदर चले गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, चार बच्चे घर में, मेहमान आए थे उसको भी उठा के ले गए। गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव के दौरान रविवार रात को पंडाल पर पथराव की घटना के बाद बिगड़े हालात की वजह से वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां के सैदपुरा में गणेश पंडाल पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए थे। दोनों समुदायों के लोगों के बीच झड़प भी देखने को मिली। हालात को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान कई पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। पुलिस ने बिना देर किए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पथराव की घटना का समर्थन करने वाले 27 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गणेश पंडाल में जो पथराव हुआ उसके बाद पुलिस ने कुल अब तक 27 लोगों को चौकी के पास पथराव के लिए गिरफ्तार किया है, बाकी 6 लोगों को पंडाल पर पथराव के लिए गिरफ्तार किया है। पथराव की बाद गिरफ्तारी की जो तस्वीरें सामने आई है वो घर में ताला लगाकर छुपने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांच वगैरह, खिड़कियां वगैरह टूटी हुई है, सबके दरवाजे अंदर से लॉक थे। लॉक क्यों थे दरवाजे, मुझे ये बताएं। लेडीज थे, सोए थे, तो क्या करें, लॉक करना पड़ता है ना। ऐसा बोलो, ये सब कभी देखा नहीं होता तो इंसान डरता है ना। ये सब आपके आपके घर में जो जेंट्स थे वो कहाँ थे उस वक्त? वो हमारे काम पे गए थे, हमारा ट्रक का काम है तो नाइट ड्यूटी देती। हाँ, क्या काम करते हैं? ट्रक का चलाते, म्यूनसिपालिटी में ट्रक। अच्छा, ट्रक चला। ट्रैवल्स का ने, वो लोगों का बिजनेस है इसीलिए वो लोग बाहर रहते हैं। बाहर आइए, बाहर आइए, आप थोड़ा बाहर। ये लोग बात कर रहे हैं, आदमी लोग की नाइट देती है। रात में कितने बजे आई थी पुलिस? 1:15 बजे के आसपास आई हुई थी। कितने लोगों को बिल्डिंग से गिरफ्तार किया? कितने लोगों का पता नहीं है, लेकिन हमारे फ्लोर से, हमारे मेरे घर में से 2 लोग को उठा के ले गए, दरवाजा खोल के अंदर से लेके गए, बेडरूम तक के गए वो लोग। पहले तो खिड़की का कांच तोड़ डाले। मेरी बच्ची यही, 1 साल की बच्ची यही खेल रही थी। लेकिन रात में अंदर से ताला, बाहर से ताला कैसे लगा था? बाहर से ताला था ही नहीं सर, था ही नहीं। अंदर जो है, जो तस्वीरें आई है उसमें दिख रहा है बाहर ताला था, वो तोड़ा जा रहा है। ये देख लो, जिसका बंद होगा उसका होगा, बाकी हमारा तो अंदर से बंद था। अब यूजुअली बच्ची 1 साल की है, उसके लिए दरवाजा तो बंद ही रखना पड़ेगा ना। नहीं, 1:30 बजे कौन दरवाजा खुला रखता है? हम लोग दुकान से आए हैं, हमारी चौटा में दुकान है, हम लोग वहाँ से आए, रात के 12 बजे आते हैं, 10-11 बजे, 12 बजे, कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता है। रात में हम लोग खाना बनाते, उस वक्त पे हम लोग खाना बन चुका था, हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, उतने में आए एकदम से खिड़की का एकदम जोर जोर से डंडा मारने लगे, खिड़की का कांच तोड़ डाला। मेरी बच्ची यहीं बैठी खेल रही थी, आप देख सकते हो नीचे उसका झूला, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं जल्दी से मेरी बच्ची को इधर लेने आई तो वो मेरे को बोले दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ डालेंगे, जल्दी से खोलो। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से दरवाजा को बोले अंदर जितने भी मर्द है उसको बाहर निकालो। लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस ताला तोड़ रही है, बाहर की तरफ ताला लगा हुआ था। तो हम लोग तो डर गए थे कि भाई हमने कभी देखा नहीं, तो अभी देखे तो हम लोग तो ताला लगा के ही रखेंगे ना। हमको लगा कभी कोई मारने वाला है, हमको थोड़ी खबर थी कि पुलिस वाले आए तो हम दरवाजा खोले। हमको लगा कोई मारने वाला है बाहर से, तो हम लोग लगा के ना अंदर चले गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, चार बच्चे घर में, मेहमान आए थे उसको भी उठा के ले गए। कुछ करेंगे, पुलिस वाले आके बिना कायदे से सबका दरवाजा तोड़ के जेंट्स लोग को ले गए। क्या सबूत? किसने मारा भाई पत्थर? उनको अंदर से घसीट के ले गए। सबूत क्या था कि हमने पत्थर मारा भाई? ये तो बताओ कि भाई कौन सा इंसान था? कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई जेंट्स लोग नहीं थे, सबको उठा के लेगा और इतना मारा इनको। खाना भी नहीं खाया। पुलिस वाले होके ऐसा करेगा तो जनता जाएगी कहाँ? मैं अभी गई थी उमरा पुलिस में 4 बजे अभी गई थी, तो मैंने बोले मेरे से मिलने दो, बोले अभी नहीं मिल सकते, करते मेरे से बहुत बदतमीजी की। मुझे धक्का दिया गया वहाँ से, यूजुअली वहाँ से गिराने की भी कोशिश की गई मुझे और मेरी मम्मी को, बोले मतलब तो हम लोग के लिए ताले भी नहीं मार सकते, ताले मारो तो ताले तोड़ के पुलिस वाले ले जाते। ठीक है, देखिए पुलिस ने कांच तोड़े, खिड़कियों के बाहर की तरफ जो ताले लगे थे वो तोड़े और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अपनी तरफ से अपना अलग पक्ष रख रही है, लेकिन जिस बिल्डिंग में
कार्रवाई की गई है। वहां पर महिलाएं कह रही है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने बाहर की तरफ ताले लगाए थे। वहीं इस पूरे मामले पर स्थानीय महिलाओं का क्या कहना है, सुनिए। सूरत के अल इलाफ पार्क इमारत के 5वीं मंजिला पर बीती रात पुलिस दरवाजों को तोड़कर, ताला तोड़कर आरोपियों को गिरफ्तार करती नजर आई थी। आप देखिए, ये ताला आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये ताला तोड़ा गया है और खिड़की भी देखिए तोड़ी गई है। और यहाँ पर स्पॉट पर इस वक्त हम पहुँचे हुए एक्सक्लूसिवली, यही से सूरत पुलिस जो है वो यहाँ पर मेहनत करती नजर आ रही थी। इस एक दरवाजे को भी यहाँ पर इस दरवाजे को भी तोड़ती हुई नजर आ रही थी। अभी भी फिलहाल ताला लगा हुआ है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अंदर की तरफ अभी भी आपको ताला लगा हुआ दिखेगा। और इस घर से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो तस्वीरें हैं कि अंदर छुपे हुए थे, जो कुछ हुआ, पथराव वगैरह हुआ, उसके बाद जो हिंसा भड़की, उसके बाद जिन आरोपियों की तलाश सूरत पुलिस कर रही थी, वो सब बाहर से ताला लगाकर अंदर की तरफ छुपे हुए थे। जिसके बाद ताला तोड़कर, आप देखिए ये तालों को तोड़कर सूरत पुलिस ने जो है सभी की गिरफ्तारियां की है। हालांकि जांच अभी भी जारी है, आखिरकार हुआ क्या था और क्यों हुआ था, ये जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस वक्त सूरत में हालात सामान्य हैं। घटना वाली जगह पर करीब 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। गुजरात की गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अधिकारियों से उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से निपटने को कहा है।